SSGK सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। 27 मई सन 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई और इसी दिन उनके पद का अंत हुआ और इस तरह 16 वर्ष 286 दिन तक का इनका कार्यकाल रहा, जो कि सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। दूसरा क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका उत्तर श्रीमती इंदिरा गांधी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। दो अलग अलग समय अंतरालों में सन 1966 से सन 1977 तक और दूसरा सन 1980 से सन 1984 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे। 31 अक्टूबर सन 1984 को इनकी मृत्यु के साथ इनके कार्यकाल का अंत हुआ और इस प्रकार कुल 15 वर्ष 350 दिन तक का इनका कार्यकाल रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा प्रश्न, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसका उत्तर नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने प्रथम बार जब प्रधानमंत्री बने 26 मई 2014 को पद ग्रहण किया था और वर्तमान में ये प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह दूसरा कार्यकाल है। 2014 से 2019 तक पहला कार्यकाल था और 2019 से वर्तमान में जो कार्यकाल जारी है यह दूसरा कार्यकाल है। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। SSGK सेंटर YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारा सभी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।